हेलो गाइस एंड वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग बीविज नेशन। तो गाइस कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि शेवरोले बीट के हिडन फीचर के बारे में था। तो आप में से बहुत से भाई लोगों के कमेंट आए, तो उन्होंने पूछा कि आपने वीडियो तो बना दिया, ये हिडन फीचर तो आपने हमको दिखा दिए, लेकिन इसको भाई एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो गाइस आज का ये वीडियो होने वाला है हाउ टू एक्टिवेट हिडन फीचर्स इन शेवरोले बीट। तो आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज ये थे कुछ शेवरोले बीट के हिडन फीचर, जहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे देखने मिलता है डिस्टेंस टू एम्प्टी। ये वाला बटन अगर आप प्रेस करोगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर आवर्स कि आपने कितने घंटे गाड़ी चलाई है। अगर आप इसको वापस से एक बार प्रेस करोगे गाइज तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंजन टेम्परेचर। तो इस गाड़ी में अभी सेंसर अवेलेबल नहीं है इंजन में, तो यहाँ पे आपको ये टेम्परेचर देखने नहीं मिलता है। तो गाइज़ ये थे कुछ इसके बेहतरीन फीचर। तो गाइज़ अभी आपने पूछा था कि भाई इसको एक्टिवेट कैसे करते, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें वो एक्टिवेट कैसे करते ये वाले बटन को। तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से इसको छोटा सा ओपनिंग है जिसको आप स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें क्या अल्ट्रेशन किया है। ये देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, बहुत ही मेरे को आराम से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो अल्ट्रेशन है गाइज, नहीं तो ये अंदर फंसने की चांसेस हो जाते हैं। तो मैं इसको आराम से निकाल लेता हूँ। ये देखिए, तो देखिए गाइज ये ऐसा कुछ अल्ट्रेशन मैंने ये वाले फीचर एक्टिवेट करने के लिए किया था। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है गाइज, ये जो एक छोटी सी एक मेटल प्लेट आप बोल सकते हो उसको, जो कि यहाँ पे जो एक सेंसर होता है उसको दो टर्मिनल्स को वो ये वाला जो पार्ट है वो उसको टच होता है और फिर ये वाले जो फीचर्स हिडन फीचर जो है वह एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो, बहुत ही इजी स्टेप्स है। ये देखिए तो यहाँ पे कुछ वायर पिन से मैंने इसका जुगाड़ किया है और ये वाली जो है छोटी सी पट्टी यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करके रख दी है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखे या ना दिखे तो मेरे को बताइए अगर आपको दिख रहा है। इसके अंदर टर्मिनल होते हैं गाइस, नहीं यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, तो अगर आप अपने गाड़ी में भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको दो टर्मिनल दिखाई देंगे ये वाले पार्ट में। तो ये वाले पार्ट में जो टर्मिनल है इसको ये वाली पट्टी जो है वो टच होनी चाहिए। तो जैसे ही ये पट्टी उसको टच हो जाएगी गाइस, आपका जो हिडन फीचर है गाड़ी के वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो देखिए, लेकिन आपको वो इसको जब आप इसको अल्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है शायद अंदर यहाँ पे फंसने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको बहुत ही आपको बारीकी से काम करके इसको अल्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए अभी मैं इसको वापस से रीइंस्टॉल कर देता हूँ वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे फंक्शन करता है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे अंदर आराम से डाल देता हूँ। तो मैंने इसको भी अंदर यहाँ पे डाल दिया है गाइस। यहाँ पे देखो अभी मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये वाला जो है डिस्टेंस टू एम्प्टी वो चेंज हो जाएगा। ये देखो अगर आपको क्लॉक चाहिए तो आपको ये क्लॉक दबाना होगा, तो यहाँ पे आपको क्लॉक भी आ जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, ये बहुत ही छोटा सा अल्ट्रेशन था जो मैंने मेरे गाड़ी में किया है, आप भी आपके गाड़ी में कर सकते हो। और मेरे को ज़रूर फीडबैक शेयर करिए कमेंट सेक्शन में कि आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। और अगर और कुछ जानकारी चाहिए कि इसको कैसे अल्ट्रेशन करना है तो मुझे ज़रूर बताइए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइज़। तो चलिए गाइज़ आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।